माननीय योगी आदित्यनाथ जी पेन तो दे दिए चलाने के लिए और पेन के अंदर स्याही नहीं दिए, तो मैं चलूंगी कैसे। कम से कम एक सीट मेयर का किसी जगह कर देना चाहिए था, नगर पालिका में कहीं नहीं दिए एक सीट, न नगर पंचायत में एक सीट दिए, ना कहीं पार्षद में एक सीट दिए। उस अधिसूचना के अगेंस्ट सर्वोच्च न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम रिट याचिका दायर करूंगी। भगवान ने हमको किन्नर बना दिया तो हमारे मौलिक अधिकार छीन लेंगे, हमारा सारा लोकतांत्रिक अधिकार आप छीन लेंगे। नई नई बोर्ड बनी है, अधिकारी इस संवैधानिक पद को समझ नहीं रहे हैं। जब हम भारत में अपना मत देते हैं, हम हाउस टैक्स भर रहे हैं, बिजली बिल भर रहे हैं, हम पानी का बिल भर रहे हैं, हम इनकम टैक्स भी भरते हैं गवर्नमेंट में, जो हम जबकि हम मांग के लाते हैं। दिल्ली में हमारे राम जी बैठे हुए हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, और उत्तर प्रदेश में लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी। सुप्रीम कोर्ट अगर चली जाती है सरकार की अधिसूचना के खिलाफ, तो सरकार कहीं ऐसा तो नहीं माहौल क्रिएट हो जाएगा कि भाई आप खुद मंत्री होकर दर्जा प्राप्त मिनिस्टर हैं इस वक्त, और आप डायरेक्ट सरकार की मुखालिफत में उतर जाए मैदान? मैं जिस आंगन में किन्नर नहीं जाए वो आंगन शुभ नहीं होता है। महिला सीट रिजर्वेशन हुई है ना, एसी सीट महिला सीट रिजर्वेशन होती है, तो हमारे किन्नर ट्रांसजेंडर का सीट कहाँ गया? हमारे किन्नर्स का भी होना चाहिए ना। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस शब्द को काटिएगा नहीं, इसको जरूर डालिएगा। आज कोई किन्नर विधायक बनेंगे, नगर पालिका बनेंगे, सांसद बनेंगे, कैबिनेट मंत्री बनेंगे, तो उनका समाज में जो एक रेपुटेशन है जिस नजरिया से देखने के, IAS IPS बनेंगे, इंस्पेक्टर बनेंगे, पोस्टमैन बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो एक नजरिया चेंज होगी। हमारे किन्नर के लिए जजमेंट दिए आर्थिक सामाजिक राजनीतिक, और OBC कोटे में भी हम लोगों को कंसिडर किया जाए। इस राज्य में हमारी यदि अधिकार नहीं मिलेगा तो मैं अन्य राज्यों से भी आशा नहीं रखती हूँ। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी आगामी लोकसभा चुनाव भी है, और अगर सरकार ने इसको लेकर कुछ संजीदगी नहीं दिखाई या आगे अप्रोच नहीं किया किन्नर्स को, तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि क्या लोकसभा चुनाव में सरकार इसका कामयाब हो सकती है? आयोग को, बोर्ड के अध्यक्षों को, बोर्ड को और आयोग को इस प्रकार से आप जो है हल्के में लेंगे, और सांसद विधायकों की जो चीज है, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। किन्नर समाज संत होते हैं, किन्नर समाज भी हमारे समाज के अंग हैं और किन्नर समाज संत है। तो जब मैं वाइस प्रेसिडेंट मीटिंग लेने जाती हूँ जिले में, तो अधिकारी वहाँ मौजूद नहीं रहते हैं। भाई DM को नहीं बनाना चाहिए था अध्यक्ष, और SP साहब को नहीं बनाना चाहिए था सदस्य। उसमें कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है किन्नर समुदाय की अनदेखी की गई है। मैं तो खुद नहीं रहना चाहती इस पद पे, जब इस पद पे क्या फायदा है? ये कई बार अधिकारी फाइल दबा देते हैं, इधर उधर कर दे रहे हैं, मतलब खिन भावना से, हीन भावना से फाइल को पेंडिंग कर देते हैं। क्या लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं किन्नरों की नाराजगी आग की तरफ हो जाए? मैं हम चाह रहे हैं कि इसका अध्यक्ष भी किन्नर हो इस बोर्ड का, जब ये ट्रांसजेंडर बोर्ड है तो ट्रांसजेंडर ही इसका अध्यक्ष भी होना चाहिए। मेरे 40 साल की उम्र में एक भी NCR एक भी FIR नहीं है, और कुछ लोग अधिकारी मुझे फंसाने के चक्कर में इधर उधर मेरे पे मुकदमा कर देंगे ताकि मैं यही उलझी रहूं। हे ईश्वर, किसी के बच्चे वाले के बच्चे हो जाए, जिसके बच्चे नहीं है किसी की रोजी नहीं उसको रोजी हो जाए, जिसके कारोबार में बरकत नहीं उसको कारोबार हो, जो कंवारे उनकी शादी हो जाए, जिनके कोख में बच्चा उनको कोख बच्चा, जो बेरोजगार उनको रोजी मिले। यूपी की योगी सरकार ने यूपी निकाय चुनाव के मद्देनजर अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें सभी वर्गों के आरक्षण का खास ख्याल रखा गया है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद किन्नर समाज सरकार की अधिसूचना से खुश नहीं है। योगी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री और किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष किन्नर सोनम चिश्ती खुद सरकार के इस रवैये से खासा नाराज हैं। वो इस अधिसूचना के खिलाफ और किन्नरों के आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने जा रही हैं। सरकार की तरफ से नगर निगम चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है, लेकिन उस पूरी अधिसूचना में तब सभी तरह के लोगों का, सभी तरह की जातियों को आरक्षण मिला है, लेकिन एक तरह के लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं अनदेखी की गई है, वो है ट्रांसजेंडर्स, जिसे लेकर काफ़ी नाराज़ हैं सोनम किन्नर, किन्नर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष, उनके अंदर खासा नाराजगी है इस मामले को लेकर। अब आगे वो क्या करती हैं उसके बारे में हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सोनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम नेशन। मैं आपका हृदय से न्यूज़ टाइम नेशन
चैनल की दर्शकों को शुभकामना देती हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। अपनी सभी 25 करोड़ जनता की तरफ से आपके चैनल को शुभकामना। सोनम जी, पहला सवाल ये है कि जो अधिसूचना जारी हुई है नगर निकाय चुनाव को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है किन्नर समुदाय की अनदेखी की गई है। आप किन्नर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, आप जो है उनकी नुमाइंदगी करती हैं किन्नर्स की पूरे यूपी में। क्या लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं किन्नरों की नाराजगी आपकी तरफ हो जाए? आगे क्या कदम उठाने वाले? देखिए, 2022 विधानसभा चुनाव में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी के आशीर्वाद से हुआ, माननीय श्री अमित शाह जी गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से, और राष्ट्रीय नेतृत्व में अभी हैं माननीय श्री सुनील वर्ष, जो समय संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के थे, उनके नेतृत्व में, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी के नेतृत्व में हमें पार्टी ज्वाइन करी। मैंने पार्टी ज्वाइन की हूँ, और पार्टी ज्वाइन करने के बाद पार्टी ने बहुत ही सम्मानजनक पदवी दिए, और पार्टी में मैं 2022 में स्टार प्रचारक थी भारतीय जनता पार्टी की। पूर्वज में भी हमारे राम जी के ज़माने में रामचरितमानस में दोहा है, तुलसी गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, देव दनुज किन्नर नर सुरेणी सादर मजही सकल तिलवेणी, सुर नर किन्नर नाग मुनीषा, जया 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 कहीं देही आशीषा। तो प्रभु राम जी ने ही स्वयं किन्नर को भी प्रणाम किया और किन्नर ने उनको आशीष दिए, तो हम उस वर्ग से आते हैं। उसके बाद 2014 में नालसा बनाम भारत सरकार की जजमेंट में एक आदेश पारित हुई, तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री निवर्तमान प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे, हम लोग डेलीगेशन में लेके गई भी थी, मिली भी थी। तो मनमोहन सिंह जी ने उस समय जो है थोड़ी सी उन्होंने हमारे वर्ग की तरफ ध्यान नहीं दिए, और बोले अगली चुनाव 2014 निपट जाए तो हम आपके किन्नर समाज के लिए सोचेंगे और करेंगे, परंतु हम लोगों ने मौका गंवाए हुए बगैर हम चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में उस समय अपील दायर किए, और सर्वोच्च न्यायालय में केस चलने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। इस कलयुग में वो भगवान हैं, न्यायपालिका ही इस भारत के भगवान होते हैं, और भगवान हैं न्यायपालिका ही, मतलब हमारे भारत के गॉड हैं। तो उन्होंने हमारे किन्नर के लिए जजमेंट दिए, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक, और OBC कोटे में भी हम लोगों को कंसिडर किया जाए। तो हम लोग जो है नौकरी में, एजुकेशन में, शिक्षा में, इन सारी चीज़ों में हमें नौकरी के लिए भी कहा गया है, और उसी के आधार पे उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन करके मुझे वाइस प्रेसिडेंट दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नियुक्ति किए हैं, वही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे। तो हमारी डिमांड है उत्तर प्रदेश में जो नगर निकाय चुनाव थे, मैंने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखी, मैंने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखी, शासन को, जो हमारे किन्नर समाज को जब OBC में मान सुप्रीम कोर्ट ने कहे हैं, तो OBC वर्ग महिला सीट रिजर्वेशन हुई है ना, AC सीट महिला सीट रिजर्वेशन होती, तो हमारे किन्नर ट्रांसजेंडर का सीट कहाँ गया? हमारे किन्नर्स का भी होना चाहिए ना। तो जिस प्रकार से मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, तो ट्रांसजेंडर का भी अधिकार है, तो शुरुआत तो करनी होगी ना, आज नहीं तो कल करनी ही होगी, ऐसे तो देश में राजनीतिक में हमें भागीदारी नहीं मिलेगी। तो हमने पत्र लिखे, तो उस पर उसके बाद पत्र के बाद जो है कोई संतुष्ट जवाब ना मिलने के बाद हमारी किन्नर हाई कोर्ट भी गए, अधिसूचना में न मेयर में सीट में एक भी सीट किसी किन्नर को दिए हैं, कम से कम एक सीट मेयर का किसी जगह कर देना चाहिए था, नगर पालिका में कहीं नहीं दिए एक सीट, न नगर पंचायत में एक सीट दिए, ना कहीं पार्षद में एक सीट दिए। तो ये तो सरासर जो संविधान है अनुच्छेद आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, तो ये तो इसका जो है संविधानिक मौलिक अधिकार हनन है हम लोगों का। तो इसीलिए सभी मेरी इच्छा है
कोई न कोई तो सामाजिक लड़ाई लड़ने वाले समाज में होना चाहिए। तो मेरी इच्छा है, जो मैंने अपनी बात रख दी हूँ, शासन से लेकर सत्ता तक सभी को मालूम है, और फिर हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए सरकार को आदेश किए थे, तो हमारे समाज को, हमारे किन्नर समाज को दरकिनार करते हुए अधिसूचना जारी कर दी। उस अधिसूचना के अगेंस्ट सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम रिट याचिका दायर करूंगी, और मीलोट से माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करूंगी, प्रार्थना करूंगी, प्रे करूंगी, जो हमारे संवैधानिक मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। और उत्तर प्रदेश राज्य देश की सबसे बड़ी राज्य है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ जनता की आबादी है, तो उसमें जहां हमारी, जब इस राज्य में हमारी यदि अधिकार नहीं मिलेगा तो मैं अन्य राज्यों से भी आशा नहीं रखती हूँ। और मैं अखिल किन्नर समाज संस्था की मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। हमारे 25 करोड़ देश के जो किन्नर हैं, एक संस्था है हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री पायल बाई किन्नर इंदौर की हैं, ये हमारे संस्था ने भी मांग की है, तो सोनम आपको आगे आना चाहिए। और मैं जो बनी हूँ तो सर्वोच्च, एक सबसे अहम सवाल ये है कि अधिसूचना जारी हुई, किन्नरों को कभी भी पॉइंट आउट नहीं किया गया, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी आगामी लोकसभा चुनाव भी है और अगर सरकार ने इसको लेकर कुछ संजीदगी नहीं दिखाई या आगे अप्रोच नहीं किया किन्नर्स को, तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि क्या लोकसभा चुनाव में सरकार इसका खामियाजा भुगत सकती है? देखिए, लोकसभा चुनाव में, यह बिल्कुल साफ कर दूं आपको, आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के युवा यशस्वी नौजवान ऊर्जावान और राम राज्य, उत्तर प्रदेश में दिल्ली में हमारे राम जी बैठे हुए हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, और उत्तर प्रदेश में लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से शब्द को काटिएगा नहीं, इसको ज़रूर डालिएगा, उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और मेरी शुभकामना है, मैं रात दिन सुबह शाम जब भी उठती हूँ मेरी यही भगवान से प्रार्थना है, जो एक बार हमारे योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होने वाले हैं और 2024 में बीजेपी की कमल खिलेगी, इसमें कोई राय नहीं, सारे विरोधी धराशायी हो जाएंगे। ये मैं आपके आज ही मेरी बात को रिकॉर्ड में, जब सरकार बनेगी तो इसको चलाइएगा। अभी सरकार ने, जिस पर आप नाराज हैं, जिस बात पर आपकी नाराजगी है और आप सुप्रीम कोर्ट जा रही है, वो कितना हर्ट कर सकती है गवर्नमेंट की अगली प्लानिंग को, या निकाय चुनाव में क्या नुकसान हो सकता है या लोकसभा चुनाव में, उस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी भगवान हैं, बहुत ही हृदय के दयामान हैं, हसमुख स्वभाव के हैं, उनके अंदर करुणा है, दया है, और सबसे बड़ी बात उनके अंदर घमंड नहीं है, वो एक प्रेम का सागर है, करुणा है उनके मन में। जितनी बार भी मैं मिली हूँ उतने बार उन्होंने कहीं से भी एहसास नहीं दिलाए, और उनका कहना है किन्नर समाज संत होते हैं, किन्नर समाज भी हमारे समाज के अंग हैं और किन्नर समाज संत है। मैं ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो वाइस प्रेसिडेंट होने के कारण से मेरा मौलिक अधिकार है किन्नरों की रक्षा की बात करना, किन्नरों की अधिकार की बात करना, और मैं सुप्रीम कोर्ट की ही गाइडनेट्स, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो दिए हैं आदेश, उसी आदेश पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बनाए हैं। सुरम जी, आपके लिए एक चीज़ मशहूर है कि अभी बीच में आपने दो तीन बार जो है सरकार से इस्तीफा भी दे दिया, डायरेक्ट योगी जी को ही अपना इस्तीफा थमा दिया था आपने ले जाकर, इसमें कितनी सच्चाई है या सिर्फ शेरों की कहानियाँ हैं? नहीं नहीं, एक्चुअल में क्या है, नई नई बोर्ड बनी है, अधिकारी इस संवैधानिक पद को समझ नहीं रहे हैं, और ये नई बोर्ड बनाने के कारण से जैसे मीटिंग में डीएम को अध्यक्ष बना दिए, पुलिस आयुक्त को सदस्य और दो किन्नर को सदस्य, तो 12 कमेटी 16 कमेटी नगर निगम स्तर के, 12 कमेटी जिले स्तर के, और डीएम खुद अध्यक्ष है, पुलिस अधीक्षक सदस्य। तो जब मैं वाइस प्रेसिडेंट मीटिंग लेने जाती हूँ जिले में, तो अधिकारी वहाँ मौजूद नहीं रहते हैं, तो जब अधिकारी मौजूद नहीं होते तो ऐसा कानून बनाए क्यों भाई? डीएम को नहीं बनाना चाहिए था अध्यक्ष, और एसपी साहब को नहीं बनाना चाहिए था सदस्य,
जब हमारे अध्यक्ष और सदस्य ही नहीं रहेंगे तो मैं किसके साथ अपनी मीटिंग करूंगी और ट्रांसजेंडर कल्याण की किसके साथ चर्चा करूंगी। तो कई बार इसको लेकर भी विवाद हुई, कई बार अधिकारी फाइल दबा देते हैं, इधर उधर कर दे रहे हैं, हाँ मतलब खिन भावना से, हीन भावना से फाइल को पेंडिंग कर देते हैं, तो हम लोग को बुरा लग रहा है क्योंकि मुझे 20-22 साल पॉलिटिशियन में हो गए अनुभव होते हुए। तो इसी को लेकर मैंने एक दो बार इस्तीफा भेज दी हूँ और पद पे मैं रहूँ ना रहूँ पर भारतीय जनता पार्टी और दीनदयाल उपाध्याय, स्वामी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय श्री सुनील बंसल जी के झंडे तले भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी की जो कमल निशान है उसको मैं आजीवन थामे रहूँगी, चाहे पद रहे चाहे नहीं रहे। मुझे अभी इस्तीफा स्वीकार करें और मेरा इस्तीफा हमेशा मैंने भेज रखी, मुझे एक मिनट एक क्षण पद पे रखे तो भी मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगी और भारतीय जनता पार्टी मैं तो खुद नहीं रहना चाहती इस पद पे। जब इस पद पे क्या फायदा है, ये पद कोई एक जो जितने भी कोई बोर्ड के आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं उनसे पूछिए जाके क्या स्थिति है। हाँ जब उनकी एक संवैधानिक पद होता है, सम्मान देना कर्तव्य है। हम जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी यदि किसी आईएएस को तवज्जो दे रहे हैं अच्छे से और जुगाड़ करके बड़े बड़े जिले पा जा रहे हैं तो आप ये नहीं मतलब जो आयोग को बोर्ड के अध्यक्षों को और बोर्ड को और आयोग को इस प्रकार से आप जो है हल्के में लेंगे और सांसद विधायकों की जो चीज़ हैं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आपने मुझे नहीं दिए हैं, मुझे क्या नाम है इन्हें नहीं दिए हैं, मुझे सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुकृपा से हमारे ये बोर्ड बना हुआ है, मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बैठी हूँ ना कि किसी ने मुझे बनाया। बस ये है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मेरा नाम को चयन किए इतने किन्नरों में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मेरे नाम का प्रस्ताव किए, उन्होंने मुझे चयन करके मुझे इस पद पे दिए हैं। पद पे दे देने से माननीय योगी आदित्यनाथ जी पेन तो दे दिए चलाने के लिए और पेन के अंदर स्याही नहीं दिए तो मैं चलूंगी कैसे, पेन दे दिए कागज दे दिए और उसमें स्याही नहीं दिए तो मैं चाहती हूँ स्याही लेने के लिए और लोग स्याही देने के लिए इधर उधर भागते हैं तो मेरी चीज़ें खराब होती है तो स्याही नहीं देंगे तो मैं तो इस्तीफा दे दी। जब मुझे स्याही मेरे पेन के अंदर नहीं देंगे तो मैं क्या वर्क करूंगी। पर सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी कोई नाराजगी नहीं, इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने हमें बहुत प्रेम बहुत अपनापन, उन्होंने जितने बार भी उनसे मैं मिली उन्होंने अपनापन का भाव दिखाए जो हम आप लोग के साथ हैं और हम आपके मतलब गार्जियन हैं, उन्होंने इस प्रकार से भाव दिखाया है इसलिए उनकी इस भाव से मैं कायर हूँ, उनकी इस भाव से प्रेम करती हूँ, वरना तो मैं जो है इस्तीफा ले तो ले लें, हम तो चाह रहे हैं उन्हीं में से कोई अपना जो है इस बोर्ड के बन जाए, तमाम है ही हैं। और दूसरी बात एक बात और देखिए, हमारे जो विभाग में हम चाह रहे हैं कि इसका अध्यक्ष भी किन्नर हो इस बोर्ड का, जब ये ट्रांसजेंडर बोर्ड है तो ट्रांसजेंडर ही इसका अध्यक्ष भी होना चाहिए, ये भी मेरी एक मांग है। और इस्तीफा से मैं यूँ नहीं करती, मैं तो खुद इस्तीफा दे दी हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं निर्दलीय सुल्तानपुर में इतना वोट पाई हूँ आप पता कर लीजिए, निर्दलीय मैंने जनता के बीच में रही हूँ और हमेशा मैंने न्याय की लड़ाई लड़ी हूँ, लोगों की मदद की हूँ, गरीब दीन दुखियों के लिए खड़ी हुई हूँ। आज मैं अपने जीवन में आज तक मेरे 40 साल की उम्र में एक भी NCR एक भी FIR नहीं है और कुछ लोग अधिकारी मुझे फंसाने के चक्कर में इधर उधर मेरे पे मुकदमा कर देंगे ताकि मैं यही उलझी रहूं, पर मुझे पूर्ण विश्वास मेरे न्यायपालिका पे, हमारे जितने भी जुडिशरी के लोग हैं हमेशा स्वस्थ रहें, उनके बाल बच्चे खुश रहें, न्यायपालिका इस कलयुग के भगवान है। तो ऐसा नहीं हो आप सुप्रीम कोर्ट अगर चली जाती हैं सरकार की अधिसूचना के खिलाफ तो सरकार कहीं ऐसा तो नहीं माहौल क्रिएट हो जाएगा कि भाई आप खुद मंत्री होकर दर्जा प्राप्त मिनिस्टर हैं इस वक्त और आप डायरेक्ट सरकार के मुखालिफत में उतर जाए मैदान? मैं एक भी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उन IAS अधिकारियों के खिलाफ हूँ जो हट बने हुए हैं और जिन्होंने हमारे समाज के प्रति संविधान के प्रति जो पद पे बैठ के जो हट रवैया अपना रहे हैं वो ये ना भूलें, हम किन्नर
किसी के घर में भी पैदा हो सकते हैं, किसी घर के बच्चे कोख से पैदा हो सकते हैं, है ना। हम हमारी गलती नहीं है, भगवान ने हमको किन्नर बना दिया तो हमारे मौलिक अधिकार छीन लेंगे, हमारा सारा लोकतांत्रिक अधिकार आप छीन लेंगे। मेरा भी अधिकार है, मैं भी भारत की मतदाता हूँ, मैं भी वोट देती हूँ, मैं भी प्रधान, BDC, जिला पंचायत सदस्य, नगर पालिका पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, सांसद, विधायक, जितनी भी जो भी मतदान करने की उपयोग होती है हम सारे मत करते हैं और अपनी मत की प्रयोग करके सत्ता शासन बनाने में योगदान सभी किन्नर देते हैं। जब हम भारत में अपना मत देते हैं, हम हाउस टैक्स भर रहे हैं, बिजली बिल भर रहे हैं, हम पानी का बिल भर रहे हैं, हम इनकम टैक्स भी भरते हैं गवर्नमेंट में, जो हम जबकि हम मांग के लाते हैं। अब माननीय मोदी जी ने उनके आशीर्वाद से ट्रांसजेंडरों के लिए नौकरी की चीज़ें आई हैं, तो जो किन्नर करना चाहे तो स्वतंत्र है, पर हमारा मौलिक अधिकार जो परंपरा है, जिस आंगन में किन्नर नहीं जाए वो आंगन शुभ नहीं होता है, ये सनातन धर्म, वैदिक धर्म परंपराओं में माना गया है। सुबह उठते हैं हम यही कहते हैं, हे ईश्वर, किसी के बच्चे वाले के बच्चे हो जाए, जिसके बच्चे नहीं है किसी की रोजी नहीं उसको रोजी हो जाए, जिसके कारोबार में बरकत नहीं उसको कारोबार हो, जो कंवारे उनकी शादी हो जाए, जिनके कोख में बच्चा उनको कोख बच्चा, जो बेरोजगार उनको रोजी मिले। सबसे पहले दुनिया में यदि कोई सुबह उठ के कोई आशीर्वाद मांगता है तो वह किन्नर समाज है, ताकि आपके जेब में पैसा होगा और आप खुशहाल रहेंगे तो आपसे हम दो पैसा ज्यादा किन्नर समाज आपके यहाँ मांगने जा सकते हैं। जब आप ही के जेब में नहीं होंगे तो हम क्या। जब तक देश के राजनीतिक भागीदारी में किन्नर समाज को नहीं सम्मान दिया जाएगा, अधिकार दिया जाएगा, तब तक किन्नर समाज का मुख्य धारा में सम्मान लेने का अधिकार नहीं होगा। आज कोई किन्नर विधायक बनेंगे, नगर पालिका बनेंगे, सांसद बनेंगे, कैबिनेट मंत्री बनेंगे, तो उनका समाज में जो एक रेपुटेशन है जिस नजरिया से देखने के, IAS IPS बनेंगे, इंस्पेक्टर बनेंगे, पोस्टमैन बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो एक नजरिया चेंज होगी। तो जो मैं मांग कर रही हूँ ये मेरी मौलिक अधिकार है, ये मेरी संविधानिक अधिकार है, ये बाबा भीमराव की बनाई हुई संविधान की अधिकार है, अम्बेडकर जी की बनाई हुई संविधान की अधिकार है, में ना कि मैं अपनी चीज करने जा रही हूँ। और सारे किन्नर समाज उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमर कसे हुए हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, यही हम लोग कामना करते हैं। देश का अगला प्रधानमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी होंगे, ये तय है। ये थी सोनम किन्नर जी, दर्जा प्राप्त मंत्री हैं यूपी सरकार में। सरकार की तरफ से नगर निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है, उसे कुछ नाराज है क्योंकि उसमें किन्नरों को जगह नहीं दी गई है, उसके खिलाफ फिलहाल ये सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं। इनका मानना है कि जब किन्नर वोट दे सकते हैं और हर तरह का टैक्स पे कर सकते हैं, हर तरह की चीज़ों में भागीदारी कर सकते हैं, तो वो सियासत से दूर क्यों है। इनका मानना है कि धीरे धीरे जब आज से कोशिशें शुरू करेंगी तो आने वाले कुछ वक्त में सभी किन्नरों को मुख्य धारा में ला पाएंगी। फिलहाल सरकार और कोर्ट के बीच में मामला उलझने वाला है और हो सकता है कि नगर निकाय को लेकर फिर से एक बार थोड़ी सी देरी हो सकती है। कैमरा पर्सन फैजान अली के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।